Friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to our channel. So in today's vlog we are going to do the unboxing and the installation setup that how we can use the digital tire inflator on our car and the bike. So first let's do the unboxing. फ्रेंड्स आपने अनबॉक्सिंग तो देख ली इस चीज़ की। सो इसकी जो केबल 3 मीटर्स है, इसके अंदर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ फंडा है। दैट मीन जब भी आप एयर लेवल सेट करते हो, दैट मीन 35 सेट करते हो तो 35 होने के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। ऑल्सो मेन एडवांटेज ऑफ दिस, जैसे आप 35 सेट करते हो उसके बाद भी थोड़ी और देर ये पंप चालू रहता है। दैट मीन थोड़ी और एयर उसके अंदर भर देता है, बिकॉज जब भी आप पाइप रिमूव करते हो टायर से, वाइल दैट प्रोसेस थोड़ी हवा टायर में से रिमूव हो जाती है। तो उस हवा को एडजस्ट करने के लिए ये जो पंप है स्मार्टली वर्क करता है, थोड़ी ज़्यादा एयर उस टायर के अंदर भर देता है। यहाँ पे इसके फीचर्स है, इसके अंदर 3 in 1 LED लाइट्स है। एक तो व्हाइट लाइट है तो और SOS लाइट इन रेड कलर है। इसका LCD डिजिटल पैनल है विथ लाइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेटर अवेलेबल है मार्केट में जिसके अंदर लाइट्स नहीं रहती है, तो रात के टाइम कन्वीनियंट नहीं होता है कितना एयर फिल कर रहा है, कितना भरना है। सो दिस वन हैज़ LCD डिस्प्ले विथ LED लाइट। ऑल्सो कंपनी क्लेम करती है कि ये फास्ट इंसुलेट करता है। लेट्स सी, हम लोग अभी प्रोसेस यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। और दिस वन कम्स विथ 1 year वारंटी। बहुत सारे इन्फ्लेटर ऑनलाइन अवेलेबल थे, बट ये मुझे थोड़ा इन माई बजट और इसके जो फंक्शंस थे वो थोड़े अच्छे लगे, सो दैट्स वाई चूज दिस वन। तो ये रही वॉशर की कैरी बैग, रिमूव कर लेते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ा शेकी हो रहा है बिकॉज इन वन हैंड आई एम कैचिंग द कैमरा, अदर हैंड आई एम ऑपरेटिंग। सो ये रही इसके साइड में। सो इसके साथ हमें मिलता है थैंक्स कार्ड, और ऑल्सो इफ़ यू गाइज पोस्ट द स्नैप्स एंड द इनवॉइस कॉपी ऑन देयर व्हाट्सअप नंबर, सो आपको एक्स्ट्रा 6 month की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। कूल। दिस इज़ द मैनुअल, कैसे ऑपरेट करते हैं क्या है ये तो हमें सब पता ही है, कॉन्स प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और ये है वॉशर का स्टिकर, और ये रहा मेन यूनिट। सो इसके अंदर ये 2 अलग कैप्स भी दी देते हैं हमको। सो ये अलग अलग है 2, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। सो इनकेस यू वॉन्ट टू फिल अप योर बाथ बलून, तो इसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस रख देता हूँ। ये यहाँ पे इन्फ्लेट ट्यूब, और ये रहा डिजिटल डिस्प्ले। 7 LED लाइट्स है इसके अंदर, जो वाइट कलर में भी ग्लो होती है और रेड कलर में भी ग्लो होती है इन SOS मोड 2। ऑल्सो दिस वन कम्स विथ एक्स्ट्रा फ्यूज और एक्स्ट्रा कैप 2। नीचे की तरफ रबर ग्रिप दी गई है ताकि आप ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इवन यहाँ पे भी रबर ग्रिप दी गई है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। सो चलो अभी इसको यूज़ करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका जो नॉब है, जो लॉक सिस्टम है वो अलग है। पुराना मेरा इन्फ्लेटर का वीडियो था उसके अंदर मैंने दिखा दिया था, उसमें अलग लॉक सिस्टम थी, जैसे पुश करके ऊपर की तरफ लॉक आता था। बट दिस वन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे इसको आपको स्क्रू की तरह ऐसे ऐसे गोल करके टाइट करना है ताकि कोई भी एयर वाइल इन्फ्लेटिंग द टायर लीक ना हो, विच इज़ गुड। सो ये जो पावर कनेक्शन है जहाँ पे LED लाइट भी दी गई है, उसको हमें इंसर्ट करना है अपने सिगरेट अडाप्टर में। सो ये इंसर्ट हो चुका है। अभी तक गाड़ी मैंने ऑफ रखी है। लेट मी पुट दिस नियर टू द टायर। इसकी वायर दिखा देता हूँ आपको कितनी लंबी है। तो आप देख सकते हो ये वायर और भी दूर तक जा सकती है। सो वी विल ट्राई टू फिल अप द एयर इन दिस टायर। अभी तक मैंने गाड़ी चालू नहीं की है। यू कैन हियर द साउंड, यहाँ पे थोड़ी एयर लीक होती है और अभी एयर लीक नहीं हो रही है। सो ये ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। लेट्स स्टार्ट द कार। प्लीज़ बी ऑलवेज रिमेंबर योर कार इंजन शुड बी रनिंग। सो ये हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी लाइट्स आ गई, दैट मीन अपना इन्फ्लेटर ऑन हो चुका है। लेट्स सी, सॉरी बिकॉज ऑफ सनलाइट डिस्प्ले प्रॉपर दिख नहीं रहा है। सो आप देख सकते हो करंटली इस टायर के अंदर है 28.5 एयर, जिसे हमें करनी है 36। यहाँ पे इसके मोड देख लीजिए आप, करंटली PSI है तो हो गया kg और ये हो गया बार और ये है KPA। सो टोटल 4 मोड है इसके अंदर और ये आ गया PSI में। सो अभी दिखा रहा है 28.5 द करंट टायर प्रेशर व्हाट वी हैव टू फील इज 36। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, सो इट शुड बी इंक्रीज टू 36, 35.5 हो गया और ये 36 हो गया। अभी हमें करना है इसे स्टार्ट। सो ये पावर बटन है और ये LED लाइट का बटन है, वीडियो के आगे बता दूंगा आपको। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग इस। देख लीजिए अभी 36 हो गया है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। सो नाउ वी हैव टू रिमूव इट वेरी केयरफुली ताकि कम हवा यहाँ से रिमूव हो जाए वाइल रिमूविंग द पाइप। तो कैप रिमूव हो चुकी है, यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं दिख रहा है। सो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि कार के टायर्स के अंदर हवा फील कर लेते हैं। अभी मैं बाकी दोनों टायर एयर फील कर दूंगा और अभी आपको दिखा देता हूँ उसकी लाइट्स। सो ये यहाँ पे LED लाइट्स है तो आप देख सकते हो इतनी ब्राइट वाइट LED लाइट्स है। नाउ लेट मी अगेन पुश इट। तो ये हो गई रेड लाइट्स जो SOS मोड में है, जो धीरे धीरे फ्लैश हो रही है। अगर मैं इसको और एक बार दबाता हूँ तो फास्ट में फ्लैश हो जाएगी रेड लाइट्स। सॉरी अभी दिन में इतनी विजिबल नहीं है लाइट्स। सो ये मैंने प्लेस कर दिया, ये लाइट्स फास्ट में डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फीचर। अगर इनके आपकी रात में गाड़ी बंद पड़ गई रास्ते में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। विथ यूजिंग द वाइट लाइट्स आप अपने टायर के अंदर हवा ही भर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फीचर। अभी बंद हो गई। सो ये जो इन्फ्लेटर है थोड़ी एक्स्ट्रा हवा टायर के अंदर भर देता है, जो हवा अब यहाँ पे लीक हो जाएगी वाइल रिमूविंग दिस नॉब। होस यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। दिस इज द रियर टायर ऑफ एक्टिवा, फुल टाइट हो गया है। लेट मी सी कितना प्रेशर है इसके अंदर। सो इसके अंदर करंटली दिखा रहा है 23 और फील रखा है मैंने 30। सो बहुत कम है, इट शुड भी 36। सो इसको 36 सेट करता हूँ, 35 एंड 36। सो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। और ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। तो अपनी एयर फिल करके हो गई। अब इसको करता हूँ मैं रिमूव, रिमूव हो गया। इंजन करता हूँ ऑफ। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस व्लॉग। एक छोटा व्लॉग था ताकि आपको दिखा दूँ अबाउट माई न्यू टायर इन्फ्लेटर। उसके पहले मैंने एक व्लॉग अपने चैनल पे बनाया था ऑफ ओल्ड टायर इन्फ्लेटर, वो ख़राब हो चुका है। सो दैट्स वाई आई हैव टू ब्रॉट द न्यू वन। सो ये है हमारा न्यू वन, द वॉशर वन। सो इन केस यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट टू बाई दिस टायर इन्फ्लेटर, इसकी लिंक हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यू गाइज कैन परचेस इट। इन केस आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो यार लाइक बटन दबा दीजिए। हाँ, यू गाइज वॉचिंग दिस व्लॉग एंड स्टिल यू आर नॉट सब्सक्राइब देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज अपने चैनल पे ऐसे मिक्स वाले राइड के इंस्टॉलेशन सब व्लॉग्स आते रहते हैं। तो अनटिल द नेक्स्ट व्लॉग, दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।